हे गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज रॉनी तनुरात। काम करने के लिए बैठा ही था, लेकिन अभी सिस्टम थोड़ा सा खराब हो गया। मैं दिखाना चाहूँगा आप। जैसे मैंने प्लग दिया वहाँ पे, तो प्लग देने के बाद ही यहाँ पे कुछ धुआं सा उठा, कुछ स्मेल सा हुआ, बर्निंग स्मेल सा हुआ। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ खराबी आया होगा। तो क्या पता नहीं हो रहा है कि मैं इसको क्या करूँ। दो चार बार करंट दे के देखा, लेकिन काम नहीं हुआ, नहीं बना। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ गड़बड़ी आ रहा है। बहुत दिन हो गया, लगभग 10-15 साल तो हो ही गया इसको चेकअप नहीं करवाया हुआ। तो अल्टीमेटली अब इसको चेकअप कराने की बारी आ गई है, और मैं सोच रहा हूँ कि इस हार्ड ड्राइव को खोल लूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेरे इंपॉर्टेंट डाटाज है जो मैं नहीं चाहता कि उसके साथ शेयर करूँ, दुकानदार के साथ शेयर करूँ। तो वहाँ मैं जाऊँगा तो उनको मैं बोलूँगा कि आप मुझे ये पेन ड्राइव, सॉरी हार्ड ड्राइव मुझे खोल के दे दो। बाकी अब इसको करंट पे थोड़ा सा ध्यान दो, करंट नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है इसको। और सोच रहा हूँ कि इस बार कैबिनेट भी चेंज करा लूँ, तो देखता हूँ क्या बोलता है दुकानदार। अगर ठीक ठाक रेट लगा देता है तो मैं कोशिश कराऊंगा कि ये कैबिनेट भी चेंज करा दूँ। ये अंदर वाला पार्ट, अंदरूनी पार्ट जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगता है कि, मुझे लगता है कि पावर सप्लाई जो कि है ये ख़राब हो गया है। अब आई डोंट नो, मुझे पता नहीं चल रहा। वैसे मैं हार्डवेयर का काम जानता नहीं हूँ, थोड़ा 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 अब जानता हूँ, इतना नहीं जानता हूँ। अब देखता है ये किसको मैं किस तरह से वर्कआउट कराता हूँ। तो अर्ली मॉर्निंग में अच्छा खासा लग गया। मैं सोचा था कि आज का मॉर्निंग का वीडियो थोड़ा सा कुछ जानकारी दे दूंगा कि क्या है क्या नहीं है इसको लेके। मैं बैठा कंप्यूटर पे, जैसे ही बैठा तो कंप्यूटर का लाइन उड़ गया। दोस्तों आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे हाथ बहुत अभी देख सकते हो कि गंदे हो चुके हैं। आप देख सकते हो इसको ठीक करते करते, तो मुझसे नहीं बना, अब उसको दुकान लेके जाना ही होगा, शॉपकीपर के पास। आइए लेके चलते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि आज मेरा सिस्टम जल गया। और दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको अपडेट देना चाहूँगा थर्ड टेम्पल के विषय में। थर्ड टेम्पल के विषय में जानकारी देने से पहले आपको ये बता दूँ कि जो भी लोग अपना टीम को चेंज करना चाहते हैं अपने आप में, वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे सीएमडी के साथ। और सीएमडी के साथ कांटेक्ट करने के बाद वो डिसाइड ही कर सकते हैं कि किन की टीम में आना है। दूसरा, रिपर्चेस के लिए अगर कोई बंदा है जो रिपर्चेस करने की कोशिश कर रहा है, मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है, बैठा बैठा आ रहा होगा डेफिनेटली, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि गला क्यों बैठ गया है, क्योंकि मैं वो काम कर रहा था तो काम करते करते थोड़ा सा ऊंच नीच हो गया, कंप्यूटर के साथ गुस्सा वगैरह हो गया, इसलिए गला बैठ गया। तो रिपर्चेस के लिए भी अगर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर आपके यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, रिपर्चेस के लिए आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और दूसरी बात करूँ तो मैं आज थर्ड टेम्पल की लॉन्चिंग की बात थी, लेकिन थर्ड टेम्पल आज लॉन्च नहीं हो रही है। सिमडे की बात के अनुसार ये लॉन्च हो रहा है थर्सडे को, यानी कि कल लॉन्च हो रहा है। सीएमडी ने जैसे कहा है कि थर्ड टेम्पल को लॉन्च करने के लिए थोड़ा सा एक दिन और चाहिए, और एक दिन उन्होंने मांगा है, और तो थर्सडे को यहाँ पे हमारा लॉन्चिंग सेरेमनी देखा जाएगा। बाकी इसी के साथ अपडेट के साथ मैं आपको और नए वीडियोस के साथ आपको जानकारी देता रहूँगा। हालांकि फिलहाल आज मेरी डिपो भी जाने की बात है, डिपो में जाऊँगा, वहाँ पे कुछ लोगों से मुलाकात भी है, गेट टुगेदर मीट है, तो उन्होंने कॉल भी किया था मुझे मिलने के लिए, तो चेष्टा करूंगा कि उनसे मिलने के लिए। ऑन द वे मैं कंप्यूटर को भी लेके जाऊंगा। आप मेरे देख सकते हैं बैक साइड अभी मॉनिटर अधूरा विधवा हो गया है, सीपीयू के बिना अगर कंप्यूटर को देखा जाए तो विधवा ही कहा जाता है, कुछ काम का नहीं है। तो डेफिनेटली मैं अभी मॉनिटर को छोड़ के जाऊंगा, बहुत दुख हो रहा है, लेकिन दुख होने के सिवा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि चालू नहीं, जब तक नहीं होगा ऑन तो मैं कुछ कर नहीं सकता। बाकी इसके साथ मेरी बहुत बहुत ऐसे यादें हैं जो यादें मैं आपको शेयर करूंगा बाद में कि मेरे क्या क्या फीलिंग्स इसके साथ है। मेरी बहुत मेहनत की कमाई की ये कंप्यूटर है, मैंने बहुत मेहनत के साथ लिया था, अपने पैसों से, बाप के पैसे से नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो पेरेंट्स के पैसे से कुछ भी ले लेते हैं, फिर बोलते हैं ये मेरे खुद के पैसे का है। नहीं, खुद के पैसे का नहीं, बल्कि मैं अपने पैसे पे लिया हुआ था, तो ये ख़राब हो गया, बहुत ख़राब लग रहा है। आज सर्विसिंग इसको लेके जाऊँगा, और इसको ले जाने के लिए मैं रेडी भी हूँ। बाकी थर्ड टेम्पल जितना ज़्यादा बेहतर करे सर, पैसे दे दो, पैसे आप दोगे तभी मेरा बाकी काम हो पाएगा। हमारे जिससे मोडर, जैसे मैं जिससे मोडर हूँ, बाकी जितने भी जिससे मोडर है, एक ही गुहार है कि सर पैसा आप हमारा पे आउट कर दो, हम लोग अपना काम कर पाएंगे, अदरवाइज पे आउट नहीं होता है तो हम लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे। काफ़ी लोग का ये भी कहना है कि थर्ड टेम्पल जितना भी नाम चेंज कर ले, 4, 5, 6, 7, 8, 10 कर ले, कुछ नहीं होने वाला जब तक पे आउट ना दे। डेफिनेटली कहने का मतलब सही है कि सर पे आउट ही अब फिक्स नहीं होगा तो डेफिनेटली हम लोग काम करके क्या करेंगे। तो सर आप पे आउट पे पहले ध्यान दीजिए कि जो पेंडिंग पे आउट से भी पड़ा हुआ है उसको आप जल्द से जल्द जिससे मोडर का पे आउट कराओ, जिससे मोटर का प्रॉब्लम चुकता तो सारा काम नुकता, मैं आपको कहना चाहूंगा सर। तो डेफिनेटली जिससे मोटर पे ध्यान दे, बाकी थर्ड टेम्पल को आपका लॉन्च करो, कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड टेम्पल बहुत बेहतरीन चलेगा। इसी के साथ मैं रणित वीडियो को साइन अप करता हूँ, और नए वीडियोस के साथ, नए कारनामे के साथ, और नए नए अपडेट के साथ मैं आपको मिलता हूँ। हमारे वीडियो के साथ बने रहें। थैंक यू।